अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि अभी मौसम, कल बारिश हुई है तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एकदम से सर्दी आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम। तो मुझे लगता है कि हमें केयर करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मतलब कि कोरोना जो है घरों में रहना चाहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कुकम्बर फेस मास्क है। कुकम्बर जो कि हम खा लेते हैं, खाते भी हैं और इसको हम लगा भी सकते हैं, और तो ये भी बहुत अच्छा मास्क है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। तो हम लेंगे सबसे पहले एक लीमू और कुकम्बर और थोड़ा सा लेबू। तो बस अभी हम, मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम ये कुकम्बर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा कद्दूकस करेंगे। बेसिकली हमें इसका थोड़ा सा रस चाहिए। देखिए ये बड़ी आसानी से आप इसका रस निकाल सकते हैं। आप चाहे तो सारा निकाल लें, नहीं तो इसका हाफ भी बहुत होगा। तो गाइस ये निकल चुका है, तो मैं अभी आपको इसको स्टेन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा रस निकल चुका है। देखिए मैम, ये है, अब हम इसको स्टेन करेंगे सबसे पहले। इसको हम अभी स्टेन करेंगे। ये देखें ऐसे, ऐसे हमने इसको स्टेन कर लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, देखें ये बहुत स्किन के लिए हमारी बहुत अच्छा है इसमें पानी होता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अभी भी इसका रस निकल रहा है बहुत। हम अच्छी तरह इसको स्टेन कर लेंगे। तो गाइस ये स्टेन हो चुका है। तो ये देखें ये रस है, ये हम चाहे तो हम सारा भी यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे हम थोड़ा सा यूज़ कर लें, इस डिपेंड पे आपको कितना चाहिए। लेकिन अभी हम ये सारा ही यूज़ करेंगे। बेसिकली ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन जो है वो सर्दियों में और भी ड्राई हो जाती है। तो विंटर के लिहाज से ये जो मास्क है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये लीमू जो है ये ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी क्लीन अप भी हो जाए ना। क्लीन करना भी ज़रूरी है, तो लीमू जो है वो स्किन को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। तो गाइस ये देखें, ये हमारे पास ये मास्क रेडी। तो आपने इसको फेस को अच्छे से क्लीन करके, पहले फेस फेस कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने क्लीन करना है फेस को, फिर उसके बाद ये मास्क लगाना है। तो इसको लगा के आपने छोड़ देना।
तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। तो जब आप इसको क्लीन करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन कितनी नरम और कितनी मुलायम हो गई है और ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पहले से ही ड्राई होती है, मतलब उनके स्किन के पैचेस बन जाते हैं, सर्दी में तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव है ये मास्क। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको आप बनाएं, इसको ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।